हेलो फ्रेंड्स, आज हम लीवर के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे डिपेंड कुछ एमसीक्यूज का स्टडी करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, गैलेक्टोसेमिया इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। गैलेक्टोसेमिया, यह जो डिफिशियंसी होती है, ये किस एंजाइम के रिस्पॉन्सिबल से होती है जो गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म में फॉर्म होता है। ये एंजाइम्स के नेम है, ऑप्शन में दिए है, गैलेक्टोकाइनेस, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेस, यूडीपी 4 इपीमरेस, गैलेक्टोज डिहाइड्रोजेनेस। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है फ्रेंड्स, आज हम लीवर के स्ट्रक्चर और फंक्शन, दैट मींस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर डिपेंड कुछ एमसीक्यूज का स्टडी करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गैलेक्टोसेमिया इज कॉज्ड बाय अ डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। गैलेक्टोज के मेटाबॉलिज्म में यूज होने वाला जो एंजाइम होता है, जिसके डिफिशियंसी से गैलेक्टोसेमिया कॉज होता है, ऐसा कौन सा एंजाइम है? ऑप्शन में दिए है, गैलेक्टोकाइनेस, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेस, यूडीपी 4 इपीमरेस, गैलेक्टोज डिहाइड्रोजनेस। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेस, मतलब ऑप्शन जो बी है यह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्लड स्पेसिमन शोस, एक बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन की है उस ब्लड स्पेसिमन की, उसके अंदर जो रिपोर्ट आया है वह रिपोर्ट दिखाया गया है। उसमें बिलीरुबिन 4.5 मिलीग्राम पर डेसिलीटर है, एएलटी यह एंजाइम है वह 150 आईयू पर लीटर है, मतलब इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है, एएसटी 200 आईयू पर लीटर है, एंड एल्बुमिन जो है वह 25 मिलीग्राम पर डेसिलीटर है। व्हाट इज द लाइकली बायोकेमिकल डायग्नोसिस, यह बायोकेमिकल डायग्नोसिस क्या हो सकता है, मतलब वो पेशेंट को क्या हुआ है इसलिए उसका ये एएलटी है यह बहुत ज्यादा इंक्रीज है, एएसटी है यह बहुत ज्यादा इंक्रीज आया है, बायोकेमिकल डायग्नोसिस में क्या आ सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्रॉनिक हिपेटिक डिसीज है। इस पेशेंट को क्रॉनिक हिपेटिक डिसीज है, उसमें एक्यूट हिपेटिक डिसीज नहीं है, हीमोलाइटिक जॉन्डिस नहीं है, ऑब्स्ट्रक्टिव लिवर डिसीज भी नहीं है। करेक्ट आंसर है क्रॉनिक हिपेटिक डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज अ सेंसिटिव मार्कर ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिसीज। अल्कोहलिक लिवर डिसीज का सेंसिटिव मार्कर कौन सा एंजाइम शो करता है? ऑप्शन है, एलेनिन ट्रांसमाइनेस, एस्पर्टेट ट्रांसमाइनेस, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेस, अल्कलाइन फॉस्फेटेस। इसका जो करेक्ट आंसर है गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेस है, करेक्ट आंसर इज द गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कर इज यूज फॉर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने वाला कौन सा मार्कर यहाँ दिया गया है, मतलब कौन सा एंजाइम है जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस करता है? ऑप्शन है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, क्रिएटिन काइनेस, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, 5 न्यूक्लियोटाइडेस। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज द 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेस। यह जो एंजाइम है यह डिफरेंशियल डायग्नोसिस करता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल इज यूजुअली टेकन फॉर द लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए नीचे से दिए गए कौन से सैंपल में से सैंपल लिया जाता है? ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, इंटेस्टाइन बायोप्सी सैंपल, स्पूटम सैंपल। फ्रेंड्स,
लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए यूजुअली ब्लड सैंपल ही कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोनियोजेनेसिस ऑकर इन लीवर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज अदर देन द ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल छोड़ के बाकी के मॉलिक्यूल से जैसे कि लिपिड प्रोटीन इनसे ग्लूकोज अगर फॉर्म हो रहा है तो उस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। ये कब होता है लीवर के अंदर? जब प्रेजेंस होता है इस इन एंजाइम में से एक एंजाइम का। ऑप्शन है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेस, ग्लूको सिक्स फॉस्फेटेस, ग्लूकोकाइनेस। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड ग्लूको सिक्स फॉस्फेटेस। ग्लूको सिक्स फॉस्फेटेस के प्रेजेंस में ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, मतलब अदर देन जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल से ग्लूकोज फॉर्म होता है इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूको सिक्स फॉस्फेटेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ वारफेरिन? वारफेरिन से रिलेटेड फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए कॉम्पिटेटिव एंड एंटेगोनिस्टिक ऑफ द विटामिन, को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्प्रिन इज सेफ, प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम, रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ कोगुलेशन फैक्टर नंबर 8। इसका करेक्ट आंसर जो है कॉम्पिटेटिव एंटेगोनिस्ट ऑफ विटामिन इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च कंटेन ग्लूकोज यूनिट विथ 1,4 एंड 1,6 बॉन्ड एंड विच एंजाइम हेल्प टू हाइड्रोलाइज ब्रांच चेन? ऑप्शन है अमाइलेज, माल्टेज, आइसोमरेज, सुक्रेज। इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड ऑप्शन सी है, दैट मीन्स आइसो माल्टेज है। स्टार्च कंटेंस ग्लूकोज यूनिट विथ 1,4 एंड 1,6 बॉन्ड विच एंजाइम आइसो माल्टेज एंजाइम हेल्प टू हाइड्रोलाइज ब्रांच चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज द सबस्ट्रेट फॉर केटोजेनेसिस? केटोजेनेसिस के लिए, केटो फॉर्मेशन, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन के लिए कौन सा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है? एलानिन, एलानिन, ऑक्सेलो एसिटेट, ट्राइग्लिसेरॉल, एसिटिल कोए। करेक्ट आंसर इज द एसिटिल कोए, दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज अ सेंसिटिव मार्कर ऑफ अल्कोहलिक लीवर डिसीज? यह क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, इसका करेक्ट आंसर है गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कर इज यूज फॉर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस? इसका करेक्ट आंसर है 5' न्यूक्लियोटाइडेस। क्रिगलर नाजर सिंड्रोम सेकेंड ऑकर ड्यू टू? क्रिगलर नाजर सिंड्रोम जो है सेकेंड, ये किससे ऑकर होता है? ऑप्शन है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द बिलिरुबिन, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ कंजुगेटिंग एंजाइम, पार्शियल डिफिशियंसी ऑफ कंजुगेटिंग एंजाइम, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ कंजुगेटिंग एंजाइम। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड पार्शियल डिफिशियंसी ऑफ कॉन्जुगेटिंग एंजाइम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्रिगलर नाजर सिंड्रोम सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रेगुलेट द TCA साइकिल? कौन सा एंजाइम है जो TCA साइकिल रेगुलेट करता है? ऑप्शन है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, फ्यूमेरेस, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेस, मैलेट डिहाइड्रोजनेस। इसका करेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन ए है, दैट मीन्स सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस यह एंजाइम रेगुलेट करता है TCA साइकिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ ग्लाइकोजन स्टोरेज, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज से एक पर्सन सफर हो रहा है, नोन एज वॉन गार्के डिसीज। Identify the missing enzyme from the following.
फॉलोइंग में से दिए गए कौन से मिसिंग एंजाइम से उसको यह डिसीज हो रहा है जिसे वॉन गाइट के डिसीज कहा जाता है? ग्लूकोकाइनेस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। इनमें से कौन सा एंजाइम है जिसके मिसिंग से उसे यह डिसीज हो रहा है? इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉज ऑफ वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम? इसका कॉज क्या है, वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम का कॉज क्या है? हाई कैलोरी इंटेक फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, हाई कैलोरी इंटेक सॉरी हाई इंटेक ऑफ द एनर्जी फ्रॉम अल्कोहल, हाई इंटेक ऑफ फैट फॉर एनर्जी, हाई इंटेक ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी। इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड वह फैट इंटेक से होता है, फैट इंटेक मतलब हाई इंटेक ऑफ फैट फॉर एनर्जी, ये कॉज होता है वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेस मेटल आर लोकलाइज्ड इन टेस्ट बड एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट बड? टेस्ट बड का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फॉर्म करने वाला कौन सा मेटल है वो टेस्ट बड पे प्रेजेंट होता है जो फॉर्म करता है इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट बड? कॉपर, जिंक, क्रोमियम, आयरन। इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड वह है जिंक। जिंक जो मेटल होता है वह प्रेजेंट होता है इन लोकलाइजेशन ऑफ द टेस्ट बड जो इम्पोर्टेंट रोल करता है किसमें, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट बड फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पेंटोस फॉस्फेट पाथवे इंटरमीडिएट दैट ऑक्सीडाइज एंड जनरेट कोएंजाइम एनएडीपीएच। एनएडीपीएच फॉर्म करने के लिए इंटरमीडिएट रोल कौन करता है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, राइबोज 5 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। इसका करेक्ट आंसर जो है वह है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज विल्सन डिसीज? विल्सन डिसीज क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विद द एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ जिंक इन लीवर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विद एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ एंटीबायोटिक इन लीवर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर with excessive deposition of bilirubin in liver, autoimmune disorder with excessive deposition of copper in liver। Friends, यह autoimmune disorder है, सभी option में यह दिया गया है। With क्या है? With excessive क्या है? यह हमें identify करना है। Friends, इसका correct answer जो है, autoimmune disorder है with excessive deposition of कॉपर, एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ कॉपर जब होता है लीवर में तब विल्सन डिसीज होता है, विल्सन डिसीज होता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, आज हमने जो क्वेश्चन लीवर फंक्शन टेस्ट पे लिए है या लीवर के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे लिए है यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले है आपके मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि नीट, एम्स, नर्सिंग के भी कोई एग्जाम्स हो या डी फार्म के कोई एग्जाम पर हो एग्जाम्स हो, सभी एग्जाम्स के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, आपके अगर कुछ सजेशन हो तो कमेंट में कमेंट करना और हमारे इस चैनल ऐसे एजुकेशन को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। Thank you so much.